हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वारफली की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी। तो इसके लिए हमने आधा किलो ग्वारफलियाँ ली हैं, जिनको अच्छे से वॉश कर लिया है, गैस ऑन कर दिया है। और आज ये सब्जी हम कच्चे घी से बनाएंगे। कच्चे घी से सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, जिसे मक्खन भी कहते हैं। और इसकी सब्जी इसको गर्म होने देते हैं। गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम जीरा और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्ची। लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इस रात वक्त चल रहा है और इसमें हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ ही जीरा। ये देखिए मिर्ची ब्राउन हो चुकी है और अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। ये हमने नमक डाल दिया और साथ ही इसमें दही डाल देंगे। दही के साथ ही ग्वारफली की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे तो दही फट जाएगा। दही से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हम डाल देंगे फली। फली को आप उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन उबालने से इसकी पौष्टिकता कम हो जाती है, इसलिए बिना उबाले इस फली को यदि बनाते हैं तो इसका बहुत ही ओरिजिनल स्वाद आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। पानी से बहुत ही अच्छी पक करके तैयार हो जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक करके 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरह से सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है, आप भी अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ग्वार की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनकर के हमारी तैयार है। ग्वार की फुले की सब्जी बनाने की फटाफट रेसिपी यदि पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। अच्छा, धन्यवाद।